अभी ऐसे ना खाली हाथ किसी के घर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, रास्ते में से कुछ खरीद लेते हैं। अरे कोई जरूरत नहीं है यार, वो लोग कभी कुछ लेकर आते हैं क्या? अरे वो लोग कुछ लेकर आए ना लेकर आए उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? मुझे ऐसे किसी के घर खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। व्हाट डू यू मीन मुझे? हम दोनों जा रहे हैं ना, मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ ना, तो मुझे मुझे क्यों बोलती हो यार तुम? अरे ऑब्वियसली मैं ऐसे ही कहूंगी ना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हें थोड़ी ना फर्क पड़ता है। और वैसे भी जब हम गिफ्ट लेकर जाएंगे तो हम दोनों की तरफ से ही होगा ना, ऐसा थोड़ी ना कहूंगी कि ये मेरी तरफ से है और अभी की तरफ से कुछ नहीं। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट यू, तुम कुछ भी बोल सकती हो। वैसे डेट क्या है आज? 8th। क्यों? नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक, आज उनकी एनिवर्सरी या किसी का बर्थडे ऐसा कुछ तो नहीं है ना? इट्स जस्ट अ नॉर्मल गेट टुगेदर, राइट? यार अगर कुछ होता तो बताते ना वो लोग, ऐसा कुछ तो बताया नहीं। अब जल्दी करो ना यार, रास्ते से कुछ लेना भी है। एक मिनट, व्हाट डिड यू से द डेट वाज? 8th बोला तो भाई। ओह शिट, आई एम लेट। फिर से भाई? अरे हम दोनों जा रहे हैं तो वी आर लेट बोलो ना। आई एम लेट। बैठो एक मिनट, बैठो। क्या हुआ? अच्छा अब मैं जो कहूंगी ना उसे सुनकर बिल्कुल पैनिक मत करना, प्लीज प्रॉमिस मी, तुम बिल्कुल भी पैनिक नहीं करो, प्रॉमिस मी। जल्दी बताओ ना मुझे, अदरवाइज आई विल पैनिक। आई एम लेट बाय 2 डेज। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं पैनिक करूंगा? ये तो खुशी की बात है ना? हाँ खुशी की बात है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। यू आर प्रेग्नेंट, आई मीन वी आर प्रेग्नेंट। वाओ, तुम खुश हो? मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी, आई मीन मतलब मुझे खुश नहीं होना था। तुम खुश नहीं हो? नहीं, आई एम हैप्पी इफ यू आर हैप्पी। सेम ना, आई एम आल्सो हैप्पी इफ यू आर हैप्पी। ये फॉल्स अलार्म हो सकता है? या इट्स अ पॉसिबिलिटी, राइट? I mean, I hope not, but... Even I hope it's not. But it's a possibility. होने को तो कुछ भी हो सकता है और ना होने को कुछ भी नहीं हो सकता है. Yeah. But we always use protection, yeah. So how is it possible? Actually, मैं भी यही सोच रही थी. क्योंकि pregnancy का तो कोई chance ही नहीं है. But condoms are also not 100% effective, ना. 3% chance तो होता ही है. और किसने सोचा था कि हम उस 3% में से होंगे? टेल मी समथिंग, हम 22nd-23rd March को क्या कर रहे थे? बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई वॉज ओव्यूलेटिंग एट द टाइम, तो डिड वी? यार मेरे को डायरी मेंटेन थोड़ी ना करता हूँ, फोन चेक करता हूँ। फोन क्यों? डिड यू मेक अ वीडियो? कुछ भी बोल रहे हो यार, वीडियो बनाऊंगा मैं? पागल हो गई हो? अरे फोन चेक कर रहा हूँ कि उस दिन हम लोग क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे, क्या पता कुछ फोटोज क्लिक किए हों, तो मे बी वी विल गेट अ क्लू। एक्चुअली दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। आई थिंक वी शुड वेट इट आउट, हम लोग कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। अगर आज रात तक तुम्हारे पीरियड्स स्टार्ट नहीं होते ना, तो हम लोग कल सुबह होम प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेंगे। रोहिणी, मैं 2 दिन लेट हूँ। 2 दिन नहीं, तुम एक्चुअली कई दिन लेट होती हो, बट इट्स ओके यार, वी मेड अ पीस विद इट, रिलैक्स। व्हाट? नो, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हमेशा हर कोई ये क्यों बोलता है कि मैं हमेशा लेट होती हूँ। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं हमेशा लेट नहीं होती हूँ। सेकेंड थिंग, माय पीरियड इज 2 डेज लेट। ओह, यू गाइस आर प्रेग्नेंट? नो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने ये प्लान नहीं किया था। चलो प्रेग्नेंट हो गए हो तो ठीक ही है, आई मीन तुम दोनों की शादी को 7-8 साल हो गए यार, आई मीन इट्स अबाउट टाइम। नो सी, मैंने और अभी ने डिसाइड किया था कि अगले 2 साल तक बच्चा नहीं करेंगे, फिर डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है। बट द हाईलाइट इज कि अभी इतना खुश है कि ऐसा लगता है दैट ही हैज हर्ड द बेस्ट न्यूज इन द वर्ल्ड। ऐसा लगता है कि वो अंदर ही अंदर चाह रहा था कि वो पेरेंट बन जाए, एंड आई डोंट वॉन्ट टू टेक दिस अवे फ्रॉम हिम, बट आई एम नॉट रेडी। मैं पैनिक कर रही हूँ रोहिणी, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही हूँ। आई एम पैल्पिटेटिंग एंड आई कैन नॉट टॉक टू हिम अबाउट दिस। ओके, रिलैक्स रिलैक्स, लेट्स लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ इट। तुम्हें तो पैनिक करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा बच्चा तो 50% डिस्काउंट में हो जाएगा। व्हाट? मतलब मैं तुम्हें जहान की सारी चीज़ें दे दूंगी ना ऐसे ही।
जब तक तुम्हारी डिलीवरी होगी तब तक उसका कॉट भी फ्री हो जाएगा. ओके, उसका स्ट्रोलर, फीडिंग चेयर, उसका बाथ टेबल, आई मीन लेट मी टेल यू दीस थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव. हाँ, ये तो बेस्ट टाइम है प्रेग्नेंट होने का. रियली? हाँ, क्योंकि फिर हमें भी सेकेंड बेबी प्लान नहीं करना पड़ेगा ना. नो नो नो, आई कांट, मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती अभी, मुझे ना बहुत पैनिक हो रहा है. सी द थिंग इज, प्रेगनेंसी के फेज से गुजरना आसान थोड़ी ना है. इट्स सो अनकंफर्टेबल. Don't have to. Pregnancy तुम्हारी जिंदगी का सबसे amazing phase होगा. जरा सोचो, सब लोग तुम्हें pamper करेंगे, तुम्हारा कितना ध्यान रखेंगे, और अभिमन्यु वो तुमसे और भी ज़्यादा प्यार करेगा. And you're going to glow, Meera. Let me glow. Meera, I'll tell you something. God has a plan. और जो कुछ होता है God के plan के हिसाब से ही होता है. You're carrying a miracle inside of you. And you're already glowing, yeah. Oh, John is going to get a little brother or a little sister. Oh my God. I'm telling you, Meera, you are not late. You are bang on time. Meera. Oh my God, I'm so excited. Yay. I'm pregnant. Kya? Abhi. It's confirmed. I'm pregnant. Tumne test kar bataya nahi, tumne positive aaya? Nahi, test nahi kiya hai. But I'm feeling it. Pata hai? Mujhe khatta khane ki craving ho rahi hai. Khatta khane ka to tumhara man hamesha karta hai yaar. You like khatta. इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम प्रेग्नेंट हो. अभी तुम सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो. मन नहीं कर रहा है, क्रेविंग हो रही है. दैट्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. शैल वी बिगिन? पता है मुझे क्या खाने की क्रेविंग हो रही है? कच्ची कैरी. चाट मसाला डाल के. कच्ची कैरी चाट मसाला डाल के? चाट मसाला डाल के. तुम रिपीट क्यों कर रहे हो? जाओ ना, जाकर ला कर दो ना मुझे. ला के दूं? अच्छा, कहाँ रखी है? फ्रिज में है क्या? मैं लेकर आता हूँ. फ्रिज में कैसे होगी? किसी दुकान में होगी ना. जाओ ढूंढो और जाकर लेकर आओ मेरे लिए. दुकान से लेकर आऊँ? कच्ची कैरी, चाट मसाला. क्रेविंग हो रही है मुझे. रिलैक्स, जा रहा हूँ मैं, लेकर आता हूँ अभी. अभी मुझे एक ग्लास पानी दो ना प्लीज. मेरे रूम से मेरी दवाइयाँ ले आओ प्लीज. अच्छा, वहां से मेरा फोन ला दो ना प्लीज. वो जैम वाले बिस्किट ला दो प्लीज. और क्या? मीरा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? I'm pregnant. Baby, it's okay. You're just getting emotional. That's it. I'm not getting emotional. मेरी हालत खराब हो रही है यहाँ और तुम इतने खुश हो रहे हो. हमने डिसाइड किया था ना कि अगले 2 साल तक बच्चा नहीं करेंगे. अब तुम इतने एक्साइटेड हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ. अरे, मैं तो इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि तुम एक्साइटेड हो ना, इसलिए. So you don't want a baby? अरे नहीं, ऐसा नहीं है. Of course I want a baby, but अगर हमारे प्लान के हिसाब से होता तो बेटर होता ना. Yes, I think so too. But what if I am pregnant?
डोंट वरी मीरा, वी विल टेक केयर ऑफ इट. व्हाट डू मीन टेक केयर ऑफ इट? तुम हमारे होने वाले बच्चे को पागल हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? वी विल टेक केयर ऑफ इट मतलब वी विल टेक केयर ऑफ द बेबी, उसका हम उसका ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे. दैट मींस वी आर हैविंग अ बेबी. मीरा प्लीज प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ. और मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, हम जो भी करेंगे साथ में करेंगे. तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ. और इतना पैनिक करने से अच्छा है मैंने टेस्ट किट लाकर रखा है ना, जाकर एक बार चेक कर लो, पता चल जाएगा है कि नहीं. Yeah, that's a good idea. मैं भी आती हूँ. क्या हुआ? Yes, no, what? टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. यार टेस्ट कर लो ना एक बार, तुम्हारी क्रेविंग पे डिपेंड नहीं कर सकते हम लोग. I got my period. I'm down. मतलब we are not pregnant, confirmed. अब इससे ज़्यादा confirm क्या हो सकता है? I know. चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है. I love you. I love you too. चलो. Hope you liked the episode today, and if you did like the episode, then do not forget to like, share, and subscribe to Shitty Ideas Trending on YouTube. आज का contest question है क्या? Contest question ये है कि इस episode में मीरा ने और अभिमन्यु ने कुल मिलाकर कितने कपड़े बदले हैं, changes किए हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे comments में आप लिखकर भेजिए कि should we plan a baby, मतलब are we ready according to you, should we, what should we do, are we ready? I don't know. You tell us. Yeah. आप हमें बताइए comments में, और हम मिलेंगे बहुत बहुत जल्द with another spicy sizzling episode of प्यार का पंच. Love and peace. अरे love and from peace from us. हाँ तो क्या हो गया? अरे चाय बना रही हो कि बीरबल की खिचड़ी? जल्दी दो यार. इसका प्रतिज्ञा किस बनी था? Last trial. ऐसे करता हूँ मैं. Oh my God. ये नहीं उसका कॉपीराइट है, छवि का कॉपीराइट है. नो नो यार, वी आर ऑन छवि कॉपी कर रही है ये. ओ कम ऑन, कुछ अपना ओरिजिनल क्रिएट करते हैं ना हम लोग.